के दिन तेरे हवाले। Let me get this straight. तुमने पाशा साहब को किसी और के साथ देखा और फिर खुद ही अज्यूम भी कर लिया कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। मैंने नहीं, है और समीर ने भी उन्हें बात करते हुए सुना था। उन्हें क्या पता था कि वो लैंग्वेज क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम लोगों से गलतफहमी होगी और तुम लोग रिश्ता भी लेकर चले गए हो, लेकिन वलीद और महक की शादी कहाँ से बीच में आ गई? हाँ, जैसे महक ने आपको बताया ना, वैसे सबको बताते फिरे कि हम पाशा साहब का रिश्ता लेकर गए थे। खुद सोचे आपको और पाशा साहब का इमेज क्या रह जाएगा। उम्मीद ही नॉनसेंस है, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शादी? दोनों फारिग घूम रहे हैं, और वैसे भी इस मसले को मैं खुद ही हैंडल करूंगी, मुझे चीजों को मैनेज करना आता है। जैसे इस रूम को मैनेज करके रखा हुआ है। क्या है ये सब? आपको पता है, मामा के साथ जाकर ना इतने प्यार से शॉपिंग की थी मैंने, आपकी वजह से कुछ ट्राई भी नहीं कर पाई। मेरी वजह से क्यों? उस चुड़ैल को आपके साथ देखकर मेरा मूड अच्छा रह सकता था। उम्मीद है मुझे महक के साथ देख लिया, प्लीज अब कुछ और अज्यूम मत कर लेना। मुझे उसके इरादे ना बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसलिए मैं उसकी और वलीद की शादी करवा देना चाहती हूँ। इसका मतलब है जिस भी लड़की को मेरे साथ देखोगी तुम उसकी शादी करवा दोगी? हाँ, सबकी शादी करवा दूंगी। पागल हो तुम भी कसम से। क्या आपने मुझे पागल? निगो मामा।